अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चिकन बिरयानी और उसके लिए जो चीज़ें चाहिए, 1 किलो चिकन लिया है, 500 ग्राम चावल लिए हमने प्याज को 3 प्याज लिए जिसे हमने कट करके रख दिया है, 1 कप दही, 3 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 नींबू का रस, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून धनिया जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और बाकी खड़े जो मसाले वो हैं तो टमाटर और 2 हरी मिर्च और 3 हमने बड़े प्याज लिए थे जिसे हमने लंबी स्लाइस में काट लिए हैं लंबा लंबा। अब एक कुकर में हमने चिकन सारा ऐड कर देंगे और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल देंगे। हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, तो 2 ग्लास पानी ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और जो खड़े मसाले वो ऐड कर देंगे इसमें और 2 टेबल स्पून ऑयल, हरी मिर्च को हम काट के डाल देंगे। वैसे भी एक बार चीज मिक्स करके ढक्कन करके 2 सीटी बजे तक हम पका लें। अब ऑयल हमने गर्म करने के लिए रख दिया था और उसमें हम सारे आलू डाल के अच्छी तरह से इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। अब ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है, हम इसे कटोरी में निकाल देंगे और ऐसे प्याज डाल के प्याज को भी हम अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर देंगे। 2 सीटी बज चुकी है और चिकन हमारा अच्छे से पक चुका है और ये प्याज भी हमारी रेडी है। हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब गैस ठंडा हो चुका है, इसमें हम एक चार में ऐड कर देंगे। टमाटर को हमने ऑलरेडी काट लिया है, अब उसे भी ऐड कर देंगे। दही डाल के इसके अच्छे से पेस्ट, स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट हमारी अब रेडी हो चुकी है। 5-6 ग्लास हमने पानी डाला था एक पतीले में और सारे खड़े मसाले डाल देंगे, उसे उबाल लेंगे पानी को। पानी में उबाल आ चुका है, अब इसमें 500 ग्राम चावल को वॉश करके रख दिए, अब वो ऐड कर देंगे। नमक स्वाद अनुसार उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और चारों को कुक कर देंगे। अब जिसमें हमने प्याज तली थी उसमें ही हमने सारा चिकन और उसका स्टॉक ऐड कर लिए। धनिया जीरा पाउडर डाल देंगे, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, उसे अच्छी तरह से मिक्स करके मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे और आलू भी साथ में ऐड कर देंगे और आलू हमारे चिकन पक चुके। चावल हमारे पक चुके, उसे हमने निकाल लिया है और मसाले में हमने नींबू का जूस ऐड कर दिया, पेस्ट ऐड कर देंगे, उसे भी अच्छी तरह से हम मिक्स करके भून देंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब हम इसमें बारीक कटे हुए धनिया एक कटोरी डाल देंगे और मसाले हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब एक पतीले में हम सारे मसाले और चिकन जो है वो ऐड कर देंगे। अब चावलों को भी हम डाल देंगे सारे चावल। अब रेड फूड कलर है, आपके पास जो भी कलर अवेलेबल है वो आप डाल सकते हैं, अगर आपको नहीं डालना है तो कोई बात नहीं, ऑप्शन है। अब हम सारे कलर डाल देंगे इसमें। हमने रेड, ग्रीन और ऑरेंज फूड कलर यूज किया है। अब हम थोड़ी सी फ्राई की हुई प्याज है वो ऐड कर देंगे। अब हम एक पैन में ब्लैक जीरा
इसे हम फ्राई करके तड़का लगा दिया है। अब हमने एक स्मोक देना है, उसका हमने कोयला गैस पे रख दिया था गर्म करने के लिए, हमें स्मोक देना है। अब रेडी है गर्मा गर्म हमारी चिकन बिरयानी। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी।